नमस्कार, स्वागत है आपका किट्टू टिफिन में। और आज बनाएंगे चिकन करी की रेसिपी, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ, जिसमें दही और काजू होंगे मुख्य रूप से। इसके लिए हमने आधा किलो चिकन ले लिया है बोन के साथ। इसको नमक और काली मिर्च के पाउडर के साथ 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। सबको अच्छे से मिला लें। मिला के 15 से 20 मिनट के लिए इसको साइड में रख देते हैं। अब एक कढ़ाई में थोड़ा 3 से 4 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें। इसमें 1/2 कप ग्रेट किया हुआ प्याज, अच्छे से भून लें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, बीच बीच में चलाते रहें। डिटेल रेसिपी और इंग्रेडिएंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इसको 4 से 5 मिनट का समय लगेगा प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के लिए, बीच बीच में चलाते रहें। ये लगभग लगभग गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट मिला देंगे, 2 से 3 मिनट इसको भून लेंगे अच्छे से। मीडियम हीट पे फ्राई करें हमेशा भी अनियन और जिंजर गार्लिक को। जिंजर गार्लिक और अनियन का पेस्ट हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया, इसमें चिकन मैरिनेटेड चिकन मिला देते हैं। मिक्स करें अच्छे से इसको। चार से पाँच मिनट के लिए मीडियम हीट पे हम इसको फ्राई करेंगे अदरक लहसुन और प्याज के साथ। सूखे मसाले मिलाएंगे, जिसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर होगा। इन सबको अच्छे से चिकन के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भूनें। मिर्च तीखी वाली यूज नहीं कर रहे हैं हम, कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं जो तीखी नहीं होती है, कलर अच्छा आता है इससे, कलर की मिर्च होती है। फ्राई करने के बाद इसमें हम 10 से 12 काजू का पेस्ट और 1/2 कप दही मिला देते हैं। दही मिलाने के बाद इसको स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे करके लगातार चलाते रहें, जब तक कि एक हल्का सा उबाल ना आ जाए, नहीं दही फट जाएगी। लगातार चलाते रहें इसको। आवाज को मीडियम कर देते हैं। टोमेटो सॉस डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। दही की खटास को बैलेंस करेगी टोमेटो सॉस की मिठास और एक अच्छा टेक्सचर देगी ग्रेवी को, लाल कलर बहुत ही अच्छा आएगा। चलाते रहे लगातार। चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं गैस पे आराम से, जब तक चिकन अच्छे से पक के नरम मुलायम और पक नहीं जाता अच्छे से। लास्ट में स्वादानुसार नमक मिलाते हैं। कस्तूरी मेथी का पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च, अनुसार गरम मसाला पाउडर, सबको अच्छे से मिक्स करें और तैयार है अपना चिकन करी की रेसिपी। बहुत ही लाजवाब टेस्टी, एक बार ज़रूर बनाएं। फ्रेशनेस के लिए इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया मिक्स करेंगे हम। मस्त रेड रेड कलर आया है।
फ्रेशनेस के लिए हरा धनिया कटा हुआ मिक्स कर देते हैं। तैयार है अपना चिकन करी। रोटी पराठे और नान के साथ किसी के भी साथ इसका लुत्फ़ उठाएं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किट्टू टिफिन। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।